नाम है रजाक परदेसी, आई एम द फाउंडर सीईओ ऑफ IHRI. IHRI इज़ वर्किंग ऑन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. हम स्पेशल नीड कम्युनिटी के लिए काम करते हैं. इसके लिए हम पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये सर्विसेज ला रहे हैं. कराची के अंदर इस वक्त हमारे पास 4 सेंटर्स हैं और आज हमारा IHRI का एक MOU साइन हो रहा है मेट UK के साथ. UK की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेनिंग्स पे काम करती है स्पेशली कम्युनिटी वर्कर्स के लिए. तो कम्युनिटी वर्कर्स का एक पूरा प्रोजेक्ट हमने 4 एरिया के ऊपर डिफाइन किया है, जिसमें 60 लोगों की हायरिंग करके उनको ट्रेन करके हम कम्युनिटी में इनको भेजते हैं. डोर टू डोर जाके वो ऐसे घरों में ऐसे लोगों के साथ जिनके घर में बच्चे होते हैं जो फिज़िकली या मेंटली चैलेंज होते हैं, तो उन बच्चों पे काम करते हैं और उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करें. उनको जाके इसकी ट्रेनिंग देंगे, इनको समझाएंगे कि बच्चे को किस तरह हैंडल करना है, इनके जो मामलात होते हैं इसके हवाले से, इनकी जो इश्यूज होते हैं इनके ऊपर इनकी ट्रेनिंग्स होती है, ताकि घर के अंदर इनके पेरेंट्स को इनके घर वालों को इतनी कम से कम नॉलेज हो कि बच्चे की लाइफ में क्या क्या चीज़ें करने से इनको फ़ायदा होता है और उनको इंडिपेंडेंट किस तरह बनाया जाए. बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, जैसे अब हमने देखा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फिज़िकली चैलेंज हैं, तो वो नॉर्मली बस्ती के अंदर उनके अंदर तो कमोडी तो नहीं लगी होती, उनके अंदर WC लगी होती है. तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भी हम एस्पेक्ट में लाते हैं कि अगर वो कमोड पे वॉशरूम नहीं जा सकता तो उनके घरों में कमोड तक लगा रहे हैं कुछ डोनर के सपोर्ट से. इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अगर बच्चा अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, चल फिर नहीं सकता है या नाबीना है या ऐसी कोई चीज़ है, तो उसके लिए हम घर के अंदर इस तरीके के सिस्टम बना दें छोटा मोटा खर्चा करके कि अगर हम रेलिंग लगा दें तो वो अपने हाथ से सुबह उठ के पकड़ के वॉशरूम तक जा सके, अपने दूसरे कमरों तक खुद से मूव कर सके. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और इनके लिए बहुत आसानी से बन सकती हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर जिस तरीके का हमारा टीम वर्क बना है, इसके अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशनों ने साथ लिया है, जिसके अंदर IHRI और मेट इसको लीड कर रहे हैं. और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इन 4 एरियाज़ को इस तरह कवर कर लेंगे कि वहाँ की सारी ज़रूरियात इनके पेरेंट्स को हम ट्रेन कर दें. इसके बाद हम मज़ीद एरियाज़ में इंशाल्लाह अपना ट्रेनिंग का सिस्टम स्टार्ट करेंगे. हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को वेलकम करते हैं जो कोलैबोरेशन करना चाहती हैं और मिलके बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं. अभी मेट UK की एक और ट्रेनिंग है जिसमें हम कार्डबोर्ड से डिफरेंट टाइप का फर्नीचर बना सकते हैं. तो ऐसे मज़दूर बड़ी उम्र के लोगों को हम चाहते हैं कि वो अगर पाँव से मज़दूर हैं तो बैठ के अपना कारपेंट्री के अंदर गत्तों से, जो गत्ते हमारी फैक्ट्री से या हमारे चीज़ों से निकलते हैं और फेंक देते हैं हम, उन गत्तों से हम छोटे छोटे फर्नीचर बना सकें जो इनको काम आ सके. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हम पाकिस्तान में करना चाहते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा नाम सादिया मिर्ज़ा है और मैं डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस हूँ मेट्स की. मेट्स एक UK बेस्ड चैरिटी है जो कि डिसेबल बच्चों के लिए प्रोग्राम्स दुनिया भर में करवाती है. हम कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करते हैं दुनिया भर में उन लोगों के लिए जो माजूर बच्चों और खसूसी बच्चों की केयर करते हैं या उनकी किफ़ालत करते हैं. आज हमारा जो प्रोग्राम था वो था अग्रीमेंट साइनिंग ऑफ. हमारा 2 साल का प्रोजेक्ट है PMWES, IHRI फाउंडेशन और मेट्स के साथ. इस प्रोग्राम के थ्रू हम अगले 2 सालों में तकरीबन 50 के करीब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को कराची में ट्रेन करेंगे, जो घर घर विज़िट करके वो बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनको और उनके वालदैन को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. ये आज हमारी साइनिंग ऑफ एक सेरेमनी थी. अब हमारा प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह अगले महीने से स्टार्ट होगा, जिसमें 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद 2 साल तक होम विजिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत बहुत शुक्रिया लिब्रा TV का. मेरा नाम कासिम मूसा लवाई है और मैं दी पाकिस्तान मेमन विमेन एजुकेशनल सोसाइटी का ऑनरी जनरल सेक्रेटरी, और तकरीबन 20 साल से मेरा एसोसिएशन है इस इदारे से. और हमारा इदारा जो है वो रौनक इस्लाम गर्ल्स स्कूल चलाता है. हमारे तकरीबन 20 स्कूल हैं, जिसमें से 5 स्कूल ऐसे हैं जो रेगुलर है, जो कराची के जो पुराने इलाके हैं वहाँ पर कायम है, और बाकी जो स्कूल हैं हमारे वो औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, फरीद कॉलोनी, इत्तेहाद टाउन, ऐसे इलाकों में, गरीब इलाकों में कायम है जो 100% फ्री हैं. यहाँ पे 100% फ्री तालीम दी जाती है. और हमारा इदारा 1948 में कायम हुआ था, तब से अब तक कायम और दायम है. अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इवेंट हुआ है वो मेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है और IHRI इसके तवसुस से एक MOU साइनिंग सेरेमनी हुई है.
जिसके तहत जो है वो हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं, वो बच्चे जो स्पेशल नीड हैं उनकी रिसर्च वर्क है एक्चुअली, ये इनके लिए रिसर्च वर्क करना है कि वो बच्चे जो मेंटली या फिज़िकली डिसेबल्ड हैं उनको हम किस तरह से जो है ना मदद पहुंचा सकते हैं ताकि वो जो है अपने घरों में आसानी के साथ गुजर बसर कर सके। तो उसके लिए पहले रिसर्च का काम शुरू हुआ है, हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो उनके घरों में जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे और उनके जो मसले मसाइल हैं उनको देखेंगे, फिर हमें रिपोर्ट करेंगे कि इनके साथ इस तरह के मसाइल हैं, तो हमारी बाकी टीमें जो हैं वो उसको जो है वो इवेल्यूएट करेंगी और उनको जो है वो गाइडलाइन फराहम करेंगी और जो भी किस्म की मदद है वो फराहम करेंगी। तो जो मेट्स के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है वो यही है, मेट्स इसके लिए हमारे फंडिंग करेगा और हमारे जो वर्कर हैं वो फील्ड वर्क में जाएंगे और इस तरह जो बच्चे इस तरह के डिसेबल्ड हैं उनके घरों में जाकर उनके मसले मसाइल से आगाही हासिल करेंगे और रिपोर्ट करेंगे, और जिसकी रोशनी में हमारा जो इदारा है IHRI मेट्स और रौनक इस्लाम स्कूल जो पाकिस्तान में मेमन सोसाइटी चला रही है वो मिल के इसको जो है बच्चों के जो मसले मसाइल हैं उनको जो है वो रजू करेंगे, उनके मसाइल जो हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर याया आमिर है, मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं इदारा चला रहा हूँ जिसका नाम है इदारा हयात नौ। आज की मीटिंग जो IHRI ने ऑर्गनाइज की थी इसके अंदर मुख्तलिफ NGOs ने शिरकत की, जो कि मेनली तमाम का मकसद यही है कि ज़हनी पसमानदगी या लर्निंग डिसेबिलिटी से मुतालिक बच्चे जो हैं उनकी अपब्रिंगिंग और उनके लिए हम क्या क्या सहूलतें फराहम की जा सकती हैं। मैंने ये मीटिंग अटेंड की, बहुत ही हार्टनिंग थी और बहुत ही मैं समझता हूँ कि इसके अंदर एक बड़ा स्कोप हमें देखने में नज़र आया। इसमें आइडिया शेयरिंग भी थी कि कैसे हम ना सिर्फ बच्चों को सहूलियात फराहम की कर सकते हैं बल्कि मुख्तलिफ ऑर्गनाइजेशन ने अपने आप को वॉलंटियर किया कि उनकी फील्ड फोर्स को इनकी असेसमेंट, इन बच्चों की असेसमेंट के लिए कैसे ट्रेन किया जाए। अभी ये माइंड स्टॉर्मिंग जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस अभी जारी हैं और इंशाल्लाह ये उन बच्चों की असेसमेंट के हवाले से मुख्तलिफ NGOs जो हैं जिन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया है वो इस मद में ये आगे हैं और वो ये प्रपोजल्स अपने अपने ऑर्गनाइजेशन में देंगी ताकि आने वाले वक्त के अंदर इन बच्चों की बेहतर असेसमेंट और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाल ही में मुंसलिक हुआ हूँ, मैं क्योंकि कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। ये बच्चे जो कि ज़हनी पसमानदगी या लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार हैं इनके अंदर और इनके पेरेंट्स के अंदर डिजीज़ बर्डन की वजह से स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं, इन बच्चों के अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं जिसके लिए साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की और असेसमेंट की ज़रूरत है। अब हम कि अपने क्लिनिक्स में काम करते चले आ रहे हैं, इस इदारे में अब ये साइकियाट्रिस्ट के इजाफे से एक नई जहद का इजाफा होगा जिसके अंदर इन बच्चों को साइकियाट्रिक फैसिलिटी, जिसके अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम जो साइकियाट्रिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसको बेहतर तरीके से जब हम मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर नतायज हमें सामने आएंगे जो ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि इनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा समर आवर होंगे। और इन वालदैन के लिए भी हमने स्पेशल सेशन स्टार्ट शुरू करने हैं बल्दिया टाउन के अंदर ख़ास तौर पे फ़िलहाल इस वक्त, इंशाल्लाह रीसेंट फ्यूचर के अंदर मुस्लिमाबाद के अंदर भी इस तरह के सेशन शुरू करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि हमारी साइकेट्रिक सर्विस जब इसके अंदर ऐड होंगी तो इसमें बहुत बेहतर फार रीचिंग इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है यूनुस इस्माइल और मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी US बेस्ड, फ्लोरिडा में है, फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल इंक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कई सालों से रौनक इस्लाम के साथ काम कर रहे हैं स्कूल के प्रोजेक्ट के साथ और आज उन्होंने हमें दावत दी थी, यहाँ पे एक स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की एक प्रेजेंटेशन है तो उसमें आप आ जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें शिरकत की है और यहाँ पर रौनक इस्लाम के अलावा HH मेट्स और IHRI उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं और माशाल्लाह बहुत सारे प्रोफेशनल्स यहाँ पे थे, डॉक्टर्स, साइकोट्रिस्ट और स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के थेरेपिस्ट वगैरह, उन्होंने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की कि भाई स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे जो पाकिस्तान में इस वक्त काम हो रहा है और UK से जो मेट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आ रही है इंशाल्लाह।
तो काफ़ी इसमें नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग थी ये, और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स भी आइडेंटिफाई हुए हैं जो आइंदा यहाँ पे पाकिस्तान में और स्पेशली कराची करिया में इस पर काम किया जाएगा। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रमन कुमार है और मैं बच्चों का न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं बेसिकली IHRI और जो मेट्स के दरमियान आज एक MOU साइनिंग सेरेमनी हुई है उसमें मैं शरीक था। MAITS जो है ये मल्टी एजेंसी इंटरनेशनल ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है। ये एक NGOs हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, और इनका मकसद ये है कि जो बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनको, उनके बारे में आम लोगों को जो है वो ट्रेनिंग देंगे उनको समझने के लिए कि वो उनके मसाइल क्या होते हैं। और बेसिकली ये टास्क शिफ्टिंग का काम करेंगे कि जहाँ पे ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे कि वो अपने जो है इन बच्चों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो एक मेजर ब्रेक थ्रू स्टेप है और ये एक बहुत ही इसके बहुत मुफीद जो है हमें आगे जाके हमें इसके नताइज मिलेंगे। और मैं मेरी नेक तमन्नाएं इन सब के साथ हैं और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट आगे जाएगा और जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनके लिए बहुत कारामत साबित होगा। थैंक यू।